3, 2, 1. आना सागर चौपाटी के पाथवे पर बनाए गए आई लव अजमेर सेल्फी पॉइंट को लेकर प्रशासन बरत रहा है उदासीनता। रखरखाव के अभाव में सेल्फी पॉइंट टूट कर हुआ धराशायी, पर्यटकों ने जताई नाराजगी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। आना सागर चौपाटी पर पाथवे के पास लगाए गए सेल्फी पॉइंट आई लव अजमेर की दुर्दशा को देख कर अजमेर आने वाले पर्यटक भी हैरान है कि स्मार्ट सिटी अजमेर की ऐसी हालत हो गई है कि महीनों से टूटे हुए सेल्फी पॉइंट को दुरुस्त कराने वाला कोई महकमा अजमेर में है ही नहीं। देखने में अच्छा लगता है और सबसे पहले तो प्रशासन और अपने सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अजमेर को पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ पर्यटन, सौंदर्य विकास सारे काम दिए हैं, लेकिन समस्या क्या है कि आज जो इतने काम आपने करवा दिए हैं उनको आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। आप ये कहते हो सब असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, आप ये कहते हैं सब उसने तोड़ दिया। अजी साहब ठीक है, मैं मानता हूँ हो सकता है हम जैसे नहीं किसी ने तोड़ा हो, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी हो कि इन पर ध्यान दें, इनकी मेंटेनेंस करें। इसको बनाने में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है ये। और जब हम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अगर गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती है तो इस तरह के खर्चे मेरे हिसाब से तो सरकार को नहीं करने चाहिए। वो सरकार यहाँ गार्ड भी होनी चाहिए। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ गार्ड रखें या किसी भी तरह की विजिलेंस रखें। जो आप खर्चे कर रहे हैं, आपने पृथ्वीराज स्मारक बनाया, ये बनाया, पाथवे बनाया, गौरव पथ बनाया, सब कुछ बनाया, अच्छा किया आपने, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आम जनता को भी आप जागरूक करो, आम जनता को कहीं इसके लिए आपको थोड़ा बहुत किसी तरह से पनिश भी करना पड़े तो आप करें, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। आप खुद जागरूक होंगे तो हम लोगों को जागरूक करेंगे। आप इसका इस तरह से बनाते हैं, कहते हैं साहब पहले इसको रिपेयर भी कर लिया, वापस टूट गया, तो आप पहले से इन्वेस्टमेंट इस तरह से करो ना कि जिसमें आपका खर्चा नहीं हो और वो लॉन्ग टर्म चले। आप लोग इस ऐसी स्थिति में बैठे हैं, आप लोगों के पास एक से एक बढ़कर के सलाहकार बैठे हैं, आप बड़ी बड़ी कमिटीज़ को लेकर के इन चीज़ों को डेवलप करवाते हैं, आप इन चीज़ों को बनवाते हैं, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इसको मेंटेन कीजिए। क्या सेल्फी पॉइंट लगाने की जिम्मेदारी के बाद उसका रखरखाव नहीं करना चाहिए? जहां रोजाना हजारों पर्यटक और अजमेर के लोग आना सागर झील को निहारने यहां फोटो खिंचवाने आते हैं, वहां प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जाती? प्रशासन एक तरफ तो स्मार्ट सिटी को लेके बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम स्मार्ट सिटी के तहत ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन एक ये छोटा सा पाथवे यहाँ पे आना सागर चौपाटी के किनारे जो बना है, यहाँ जो प्रशासन ने सेल्फी पॉइंट बनाया आई लव अजमेर, इसको असामाजिक तत्वों द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। अब टूटे बाद भी लोगों को इसको मतलब पता नहीं क्या है, टूटे हुए के साथ भी इसकी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ के इसकी फ़ोटो खिंचाते हैं। प्रशासन को मीडिया के माध्यम से पहले भी अवगत करा चुके हैं कि इस और ध्यान दें, इसको रिपेयर कराया जाए। यहाँ से बाहर से जायरीन आते हैं, अजमेर का काफ़ी अच्छा नाम है, गौरव पथ पे आना सागर के किनारे काफ़ी लोग घूमने आते हैं, वो इसके साथ सेल्फी लेते हैं, लेकिन ये एक टूटा हुआ जिसके साथ वो सेल्फी लेते हैं, इससे हमारे शहर के लिए काफ़ी गलत मैसेज जाता है। प्रशासन स्मार्ट सिटी के लेके जो दावे कर रहा है और इस और ध्यान दे कि जो ये आई लव अजमेर बनाया गया है, इसके जो टूट गया है इसको तुरंत प्रभाव से रिपेयर कराया जाए। लगता है एक तरह शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है और छोटी चीज़ को सही नहीं कर पा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए भी कि प्रशासन स्मार्ट सिटी को लेके काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी टूटी हुई रिपेयरिंग है इसको पूर्णतः करा नहीं पा रहा है। या तो इसको प्लास्टिक का हटा के पूरा इसको वाइट पत्थर का या संगमरमर पत्थर का बना दिया जाए ताकि इस प्रकार डैमेज नहीं हो। पहले भी ये डैमेज हुआ था, इसको मीडिया द्वारा दिखाया गया था तो इसको रिपेयर करा दिया गया था, लेकिन ये वापस अभी डैमेज हो चुका है। अभी कुछ दिन पूर्व ही सिटीजन काउंसिल और जिला कलेक्टर ने ADA द्वारा 8 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कराई गई पुरानी चौपाटी को लोगों के अवलोकनार्थ फिर से खोला था, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर बनाए गए इस सेल्फी पॉइंट को ठीक कराना मुनासिब नहीं समझा। हम भी घूमने के लिए इससे इधर ही सेल्फी लेने के लिए आए, लेकिन देखा तो टूटा, तो फिर ली नहीं हमने।
कहाँ से आए हो आप घूमने? हम इधर ही पास में गांव है। आपको कैसे मालूम चला ये चीज़ बनी हुई है? बताया ना सबने, और ऐसे आते रहते हम लोग। पिछली बार आए जब ठीक था, इस बार आए तो टूटा हुआ। ये क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन के आगे? हाँ ठीक करा देना चाहिए। दूर से अजमेर में घूमने के लिए आए थे और आते रहते हैं। जो चीज़ पीक पॉइंट यहाँ पे जो अजमेर आई लव यू लिखा हुआ है तो ये बहुत फेम है, दुनिया अजमेर से बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या है कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये टूटा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि सब लोगों के दिलों पे राज करने वाले इस अजमेर शहर के लिए प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करावे और अति सुंदर बनावे, इस अजमेर शहर को स्वच्छ बनावे ताकि लोग घूमने आवे, अजमेर से प्यार करें। ये मेरा कहना है। अभी क्या स्थिति हो रही है इसकी? अभी ये टूटा हुआ है तो ये बहुत, इसलिए हमारे अजमेर की भी शान जाती है इससे। कोई बाहर से आता है तो ये सोचता है कि देखो ये टूटा हुआ है, तो इससे हमारे को बहुत तकलीफ होती है। असामाजिक तत्वों को शायद अजमेर की सुंदरता रास नहीं आती, इसलिए सेल्फी पॉइंट की छोटी सी टूट फूट आज बड़ा रूप ले चुकी है और आई लव अजमेर का काफ़ी बड़ा हिस्सा टूट चुका है। पीवीसी से बना सेल्फी पॉइंट कुछ ही दिनों में पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। तीसरे व चौथे चरण के मतदान के लिए भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा सांसद विधायक सहित वरिष्ठ नेताओं ने गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर किया चुनाव प्रचार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का 1 दिसंबर को तीसरा और 5 दिसंबर को चौथा चरण होना है। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क और चुनाव प्रचार का दौर पूरे जोर शोर से जारी है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने किशनगढ़ पंचायत समिति के रूपनगढ़ सहित आसपास के गाँवों में जनसंपर्क के साथ भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन भी किया। वहीं जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने जवाजा पंचायत समिति में तो भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर ग्रामवासियों से कमल के फूल को वोट देने की अपील की। भाजपा नेता विकास चौधरी ने अराई पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर जनसंपर्क किया। रूपनगढ़ मंडल के करकेड़ी कस्बे में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करी, जनसंपर्क किया और साथ ही हमारे जिला परिषद सदस्य और पंचायत सदस्य के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में हमारे अजमेर जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय भागीरथ चौधरी साहब, जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि भाई नंदराम जी मूड, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी भाई लुकमा राम जी नैन के साथ ही हमारे मंडल देव जी और सैकड़ों कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। साथ ही कांग्रेस के कुशासन से किस तरह राजस्थान की जनता त्रस्त है उससे हमने आम जनता को अवगत कराया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा, हमारे सारे प्रधान बनेंगे। मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने दावा किया कि भाजपा नेताओं की एकजुटता से कांग्रेस मैदान में कहीं नहीं टिक पा रही और अजमेर में जिला प्रमुख भाजपा का बनने जा रहा है। अजमेर जिले में तीसरे और चौथे चरण का चुनाव किशनगढ़, अराई, मसूदा और जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में होना है। पहला और दूसरा चरण अजमेर जिले के अंदर समाप्त हो चुका है, जहां पर हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ में जीतने जा रही है। जिस प्रकार से आम जनता का, ग्रामीण जनता का रुझान पोलिंग बूथ पर देखने को मिला, अपेक्षा से अधिक ही मतदान हुआ है, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं कोरोना की महामारी होते हुए भी, क्योंकि जनता परेशान है। अब तीसरा और चौथा चरण अजमेर जिले के अंदर जवाजा मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर, किशनगढ़ व अराई पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर होने वाला है, जिसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद साहब ने आज करकेड़ी के अंदर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट थे, जवाजा के अंदर जिलाध्यक्ष जी माननीय देवीशंकर जी भूतरा ने प्रचार किया, विधायक सुरेश जी रावत अपने क्षेत्र के अंदर रूपनगढ़ क्षेत्र के अंदर प्रचार कर रहे हैं, मसूदा के अंदर भाजपा नेता भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इस पूरे जो हमारे नेता एकजुटता के साथ में मैदान के अंदर डटे हुए हैं
और कांग्रेसी नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं। इससे हमें पूरा विश्वास और पूर्ण जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारा जिला प्रमुख अजमेर के अंदर एक बार फिर बनने जा रहा है और मैं आज दावे के साथ मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस इकाई से दाई के आंकड़े के अंदर जिला परिषद के अंदर सीटें नहीं ला पाएगी। दिल्ली गेट स्थित होटल क्रिश पैराडाइज के कुक का फांसी पर लटका मिला शव। परिजनों का आरोप, होटल मालिक और मैनेजर ने हत्या कर लटकाया फांसी पर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। गंज थाना अंतर्गत दहली गेट स्थित शनि मंदिर के पास क्रिश पैराडाइज होटल में काम करने वाला कुक कप्तान फांसी के फंदे पर लटका मिला। गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों और मित्रों ने बताया है कि कप्तान को होटल मालिक और मैनेजर ने हत्या करने के बाद फांसी पर लटकाया। लिहाजा होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और मृतक कप्तान का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। थाने पर मौजूद भीड़ ने जब कोविड-19 नियमों की अवहेलना की तो पुलिस ने उन्हें समझाया। वहीं मुकदमा दर्ज कर मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर प्रवीण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली गेट के पास क्रिश पैराडाइज नाम का होटल है, जिसमें ये कल सूचना मिली थी कि कप्तान 14 वर्ष का रहने वाला 21 वर्ष का वहाँ पर रेस्टोरेंट चलाता था ठेके पे, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। सुनता पर हम मौके पर पहुँचे थे, रात को जो रिपोर्ट दी उस पर कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अभी उनके परिजनों को शक है कि भाई होटल का जो मालिक है और जो मैनेजर है, इनका कहना यह है कि उन दोनों ने उसको मार के लटकाया है। उस चीज़ की इन्होंने अभी रिपोर्ट पेश करी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बोर्ड से होटल दिल्ली गेट के पास है, क्रिश पैराडाइज। एडवोकेट अजमत खान ने बताया कि 84 गांव का रहने वाला करीम पुत्र कप्तान दिल्ली गेट स्थित क्रिश पैराडाइज होटल में किचन ठेके पर लेकर कुक का काम कर रहा था। उसका होटल मालिक और मैनेजर से पैसों को लेकर विवाद भी चल रहा था। इस बात को उसने अपने परिवार और मित्रों को भी बताया था। कल जब उसके फांसी लगाने की सूचना आई, उससे तकरीबन आधा घंटे पहले ही उसने अपने स्टाफ के साथ बैठकर चाय पी और घर वालों से भी बात की थी। तब ऐसा कोई तनाव नहीं दिख रहा था जिसके चलते वह फांसी लगा सके। बहरहाल गंज थाना पुलिस प्रकरण के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। क्या मामला? मामला तो ये था कि हमारे गाँव का जो है कप्तान नाम का लड़का जो था यहाँ पर क्रिश पैराडाइज होटल में काम करता था 2 महीने से। इसका जो मालिक और मैनेजर है उसको आए दिन प्रताड़ित कर रहे थे। उसने अपनी इस चीज़ की पुष्टि अपने भाई को फ़ोन करके भी कही कि ये जो होटल वाला मैनेजर है और ये जो मालिक है ना तो हिसाब कर रहे हैं और ना मुझे घर आने दे रहे हैं। इसको 2 महीने से आप घर भी नहीं आने देते थे। और कल 4:30 के आसपास ये नीचे चाय पी करके आया था, जब बिल्कुल स्वस्थ था। इसकी माँ से बात हुई, जब उसने ऐसी कोई बात ही नहीं बताई कि उसको कोई परेशानी हो या वो इस प्रकार की कोई फांदा लगा करके आत्महत्या करे। मगर दुर्भाग्य है कि थोड़ी देर बाद में टेलीफोन आता है कि साहब आपके लड़के की जो है फांसी लगाने से मौत हो गई और आप होटल पहुंचो। तो हमें तो साहब बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और जब फांसी लगाई गई उसके अंदर पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मौके पर पहुंची है तो देखा है कि वो जो उसके जो घुटने हैं वो पलंग पर टिके हुए हैं, दोनों पैर पीछे मुड़े हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आदमी फांसी लगे हुए उसकी हत्या करके और उसको फांसी को उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको वहाँ पर टांगा गया है। हम आए हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए। 302 में उसके जो मालिक है और मैनेजर है परवीन, उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है और अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर न्याय, हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होता है तो कल हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज ठीक है, कोविड की पालना करने के चक्कर में हम भी ज़्यादा जो बीमारी चल रही है उसके अंदर हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। पुलिस हमारी मदद कर रही है तो हम भी इनके सहमति से और इनके समर्थन से हम संतुष्ट हैं। और अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है और SHO साहब जो है अंदर FIR दर्ज करवा रहे हैं।
विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने हटवाने और संशोधन के लिए लगे शिविर। अंदरकोट बड़बाव राजकीय माध्यमिक विद्यालय में लगे शिविर में BLO ने दावे और आपत्तियों के लिए लिए आवेदन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने हटवाने और संशोधन के साथ ही नए मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में जुड़े जाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 29 नवंबर और 6 दिसंबर को विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय BLO सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। इसी के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़बाव अंदरकोट में शिविर लगाया गया, जहां BLO ने आवेदन प्रपत्र प्राप्त किए। नए मतदाता जिनकी 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2021 को पूरी होनी है, उनके पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए निर्धारित प्रारूप 6 में आवेदन लिया जा रहा है। वहीं मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 और नाम व पते में संशोधन कराने के लिए प्रपत्र 8 के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जैसे कि लोकसभा विधानसभा की जो मतदाता सूचियाँ हैं उसके अंदर जिनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है, 18 वर्ष के जो हो चुके हैं बच्चे बालक बालिका बच्चे बच्चियाँ, उनके नाम जोड़ना और नाम के अंदर किसी तरह की त्रुटि है उसको सही करना, संशोधन करना, किसी के नाम किसी का स्थानांतरण करना, इस तरह के ये काम चल रहे हैं। कहाँ से आदेश मिले हैं? ADMCD साहब से, निर्वाचन कार्यालय से हमें ये ऑर्डर मिले। कब तक रहेगा ये? ये आज संडे के दिन, अगले संडे को भी है 6 दिसंबर और आज भी है, और इस बीच फॉर्म वगैरह BLO को दे सकते हैं वोटर्स। किस तरह के ना ज़्यादा यहाँ पर परेशान लोग आ रहे हैं? परेशान लोग तो मतलब वैसे तो अभी तक तो आना शुरू हुए हैं, ज़्यादातर तो किसी के नाम के अंदर करेक्शन वाले ज़्यादा आ रहे हैं, नाम में त्रुटियाँ हैं उसी हिसाब की ज़्यादा आ रहे हैं लोग। नगर निगम से आर्थिक सहायता प्राप्त NGO टोलफा नहीं निभा पा रहा अपनी जिम्मेदारी। कालू की ढाणी के निकट अधमरी गाय को लेकर लोगों ने खड़े किए सवाल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। नगर निगम और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पशुओं की सेवा और सहायतार्थ कार्य कर रहे NGO टोलफा का एक और गैर जिम्मेदाराना कृत्य सामने आया है। आज सुबह कालू की ढाणी वार्ड नंबर 60 के क्षेत्रवासियों ने इस बात की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद अशोक मलिक और निवर्तमान पार्षद JK शर्मा से की और बताया है कि यहाँ एक गाय कुछ समय से घायल अवस्था में घूम रही है, जिसके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं और हालत भी काफ़ी गंभीर है। ऐसी हालत में उस गाय ने वहां के कुछ निवासियों को टक्कर मारकर घायल भी कर दिया। इतना सब हो जाने पर जब क्षेत्रवासियों ने अशोक मलिक से मदद चाही तो अशोक मलिक ने टोलफा के अधिकारियों से बातचीत की, जहां से उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद अशोक मलिक ने पुनः नगर निगम के अधिकारियों से बात करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया, परंतु क्षेत्रवासियों और मलिक ने टोलफा के प्रति नाराजगी कुछ यूं व्यक्त की। ये यहाँ पर गाय है कोई, ये आवारा थी, तीन चार दिन से घूम रही है यहाँ पर। तो मौके पर ही सभी पशुपालकों से पूछा तो पशुपालकों ने तो मना कर दिया किसी ने सबने कि हमारी गाय नहीं है। हमने घर जाके पूछा तो इसकी हालत बहुत गंभीर हो रही थी, सींग के अंदर कीड़े पड़ रहे और ये तो थोड़े से पागल जैसे हो गई, एक दो एक्सीडेंट भी हो गए। तो हमारे मौके पर पूर्व पार्षद JK शर्मा भैया और उसी पूर्व पार्षद अशोक मलिक भैया के द्वारा टोलफा को फ़ोन करवाया
तो टोल वालों ने तो मना कर दिया कि हम नहीं करते, बाकी टोलफा का काम रहता कि गाड़ी ये रिकवर वाला कि कोई पशु होता है ये कुत्ते होते हैं तो उनको ले जाके रिकवर करने का, पर उनने मना कर दिया। तो भैया ने कांजी हाउस फ़ोन करके अधिकारियों को बुलाया तो मौके पे ही आइए, उनने बोला टोल वालों ने कि कांजी हाउस पहुँचा तो वहाँ से हम ले जाएंगे। तो ये पशुपालक है, पता नहीं किसकी ये गाय, सबने मना कर दिया, बोलो किसकी नहीं तो हमने आवारा, तो गाड़ी बुलाइए, मौके पर आए भैया और इन्हें गाड़ी पकड़ के लेके जा रहे हैं इनके लिए। वहीं बड़ी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद नगर निगम का पशु नियंत्रण वाहन वार्ड 60 कालू की ढाणी पहुंचा, तब जाकर क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। ये एक कालू की ढाणी जगह है, यहाँ पे एक ये गाय लवारिस घूम रही थी जिसके कीड़े पड़े हुए हैं, और ये इतनी परेशान थी कि ये उधर उधर दौड़ रही थी और भूखी भी थी, इसलिए ये वहाँ पर इसने कुछ बच्चों को भी मारा है और एक दो मोटरसाइकिल वालों को भी इसने गिरा दिया। जब ये मेरे को सूचना मिली मैंने पार्षद को इसके बारे में बताया, पार्षद तुरंत आए और उनने टोलफा को फ़ोन किया, मैंने भी टोलफा को फ़ोन किया, उनके एक कोई अमर सिंह जी हैं कोई उनके डायरेक्टर वायरेक्टर बताते हैं वो अपने आप को, उन अमर सिंह जी ने कहा कि साहब हम इस गाय को नहीं लेंगे क्योंकि ये मालिक की गाय है, अमरीकन गाय है। अब ये अमरीकन गाय है या देसी गाय है, ये टोलफा का काम है, टोलफा ने जो अपने जो नॉर्म्स बना रखे हैं जो एक एनजीओ में, उसमें गाय सारे जानवरों की सेवा करने का उनने निर्णय लिया है। यदि ऐसे कुछ भी है, हमने उनको ये भी कहा कि आपके ऊपर यदि कुछ आता है हम लिख के देने को तैयार हैं कि ये गाय मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ, इसका कोई मालिक आता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्स भी लूँगा। उसके बावजूद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मेरे को मजबूर होकर प्रदीप जी से बात करनी पड़ी जो कि नगर निगम के कांजी हाउस के अधिकारी हैं, वो खुद कोविड से ग्रस्त हैं, छुट्टी पे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको रिक्वेस्ट करी तो वहाँ से अब गाड़ी आ रही है। इस गाड़ी में टोलफा ने कहा है गाड़ी पहुँच चुकी है, ये स्टाफ आ चुका है और अब हम इसको टोलफा को भेजेंगे, यदि टोलफा लेने से इनकार करेगा तो इसको कांजी हाउस में रखेंगे। पशुपालन विभाग से हमने बात करी, जो उनके अधिकारी थे उनने बताया अरोड़ा जी ने कि मेरा राजसमंद ट्रांसफ़र हो गया है, आप इसको वहाँ यदि टोलफा नहीं लेता तो आप कांजी हाउस ले आएँ तो हम वहाँ पर इसकी पूरी हम इसकी जो जाँच करके इसका पूरा उपचार करेंगे। आखिर में सवाल ये उठता है कि नगर निगम और सरकारी आर्थिक समर्थन के चलते ऐसे सभी एनजीओज ऐसी घटनाओं से अपना पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? इस घटना ने इन एनजीओज की पोल खोल कर रख दी। विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने हटवाने और संशोधन के लिए लग रहे हैं शिविर। जनता कॉलोनी पंचशील नगर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगे शिविर में पार्षद के उम्मीदवार दिखे सक्रिय। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने हटवाने और संशोधन के साथ ही नए मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में जोड़े जाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 29 नवंबर और 6 दिसंबर को विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें स्थानीय बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। इसी के तहत राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी पंचशील नगर में भी शिविर लगाया गया जहां बीएलओ ने आवेदन प्रपत्र प्राप्त किए नए मतदाता जिनकी 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2021 को पूरी होनी है उनके पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए निर्धारित प्रारूप 6 में आवेदन लिया जा रहा है। वहीं मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 और नाम पते व संशोधन कराने के लिए प्रपत्र 8 के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पुनरीक्षण का शिविर चल रहा है, आज विशेष शिविर है 29/11 को, इसके बाद 6/12 को भी लगेगा और इसमें जो नए मतदाता है वो अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 भर रहे हैं, जिनको संशोधन कराना है वो प्रपत्र 8 और 8 कह भर रहे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया है। तो काफ़ी मात्रा में मतदाता इस क्षेत्र के जागरूक है
और आके अपना नाम जुड़वा रहे हैं, और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत जुड़ गए हैं या जो संशोधन कराना है उसके फॉर्म भी भरवा के जा रहे हैं, और काफ़ी संख्या में फॉर्म आ चुके हैं। और अभी हमें हम दिन भर यही बैठे हैं, शाम तक शाम 6 बजे तक ये शिविर चलेगा, और आगामी शिविर अगर जो रह गए मतदाता उनको हम जागरूक कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इसके जरिए हमने इस चीज़ का काफ़ी प्रचार प्रसार किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता इससे लाभान्वित हो सके और जो भी अपना कार्य पेंडिंग है उसे पूरा करवा सके। किस तरह का प्रूफ मांग रहे हो आप नाम जोड़ने के लिए, क्या क्या मांग रहे हो आप इसके? हम मांग रहे हैं जो नए मतदाता है उनसे हम मांग रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र या 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, उनके पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग रहे हैं, और एक फोटो मांग रहे हैं, और जो जिनको सुधार कराना है उनको अपना पुराना एड्रेस, पुराना वोटर आईडी कार्ड लाना होता है, और जो नए एड्रेस में जहाँ वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ का एड्रेस उनको देना होता है, जिनके नाम में संशोधन है उनको इसमें सारा लिखना होता है कि उनके नाम में क्या कमी रह गई है, क्या गलती रह गई है और क्या सुधार करना है, वो सब इसमें लिख के दे के जा रहे हैं। अच्छा, कब लगेगा अगला कैंप आपका? 6 तारीख को। और जो नए वोटर आईडी कार्ड आएंगे वो जनवरी तक आ जाएंगे, ये हम मतदाताओं को बता रहे हैं। शिविर में खास बात देखने को मिली कि आगामी नगर निगम के पार्षद चुनाव में दावेदारी जताने वाले उम्मीदवार सक्रिय नजर आए। पार्षद पद के उम्मीदवार मुकेश आहूजा और किशन चेलानी शिविर में मौजूद रहकर लोगों के फॉर्म भरते दिखे और लोगों को जानकारी देते हुए नजर आए। कैंप लग रहा है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना नाम जुड़वाएं, खासकर युवा वर्ग इसमें नाम जुड़वाएं जो पहली बार मतदान करेंगे, और हम तो ये निवेदन करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़वाएं, जिनके नाम संशोधन है संशोधन करवाएं, तो जितने ज़्यादा मतदाता आएंगे उसमें ज़्यादा वोट बैंक बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। तो हमारे यही उद्देश्य है कि आज वार्ड क्षेत्र में जो कैंप लगा हुआ है तो आप बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे आवें, ये 6 तारीख को भी कैंप लगेगा, तो आप ये निवेदन करूँगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और यहाँ नाम जुड़वाएँ। घर घर भी जाओगे आप? भाई घर घर भी हम जो अपने मिल हमारे जो परिचित हैं हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रखा है कि जहाँ भी फॉर्म दे के आ रहे हैं हम, और यही निवेदन करेंगे आप अपना नाम जुड़वाएँ। काफ़ी लोग यहाँ आ भी रहे हैं, आप देखना कितना उत्साह है लोगों में, काफ़ी युवा वर्ग आगे आ रहा है कि वो नाम, क्योंकि वो पहली बार मतदान करेगा और काफ़ी युवा वर्ग यहाँ पे आगे आ रहा है नाम जुड़वाने के लिए। और मैं ये भी करूँगा जिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो निवास कर रहे हैं जिनके नाम जो दूसरी जगह जुड़े हुए हैं वो यहाँ नाम जुड़वाएँ, संशोधन करवाएँ, तो मैं ये निवेदन करूँगा लोगों से। किस तरह के कैंप लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और उसमें जो पहचान पत्र उसमें नाम संशोधन वगैरह का कारक किया जा रहा है। यहाँ पर मैडम BLO मैडम है रमा शर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है, और लोग आ रहे हैं काफ़ी संख्या में, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और धन्यवाद। कब तक लगेगा कैंप ये, और अगला कैंप कब लगेगा? ये कैंप आज लगा है और अगला कैंप 6 तारीख को लगेगा, जो बाकी पेंडिंग रह जाते हैं उनको 6 तारीख को पूरी करके सबके पहचान पत्र और संशोधन किया जाएगा। पहचान पत्र इस कैंप के अंदर? इस कैंप के अंदर लोगों का संशोधन किया जा रहा है नाम का, और नए पहचान पत्र भी बनाया जा रहा है, जो 18 वर्ष की आयु के हुए हैं अभी उनका नाम जोड़ा जा रहा है ताकि वो भी मतदान का अधिकार का लाभ ले सके। कौन से स्कूल के अंदर कैंप लग रहा है? ये पंचशील में सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर लिया जा रहा है। इसके साथ ही महावीर पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे भी कैंप लगाया जाए, जहाँ पे विष्णु जी और ईश्वर जी BLO जी हैं वो कार्य कर रहे हैं। जागरूकता के बावजूद मास्क नहीं लगाने वालों को इज्जतदार तरीके से किया गया अपमानित। भाजपा आदर्श मंडल द्वारा वाहन चालकों और राहगीरों को तिलक लगाकर माला पहनाकर दिए मास्क। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। भारतीय जनता पार्टी आदर्श मंडल द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों को प्रेरित करने का आज एक अनोखा ढंग देखने को मिला। आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में 9 नंबर पेट्रोल पंप नसीराबाद रोड पर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों राहगीरों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और माला पहनाकर कोरोना फैलाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया।
या दूसरे शब्दों में कहें कि इज्जतदार तरीके से अपमानित किया। साथ ही आगे से बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत देते हुए उन्हें निःशुल्क मास्क भी प्रदान किए गए। भाजपा आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते आ रहे हैं, लेकिन आज कोरोना काल में लोगों को जागरूकता के बावजूद जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो उन्होंने यह तरीका निकाला। इससे शायद शर्मिंदा होकर वे मास्क लगाएं और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, इसे लेकर आज ये अभियान शुरू किया गया। हाँ भाई, सब क्या आयोजन किया गया आज? हमने आदर्श मंडल की तरफ से हमारे कार्यकर्ता वगैरह ने मिलके कोरोना अजमेर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अभी तक हम लोग क्या करते थे, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए आए, उनका हौसला अफजाई करते हुए आए, लेकिन आज हमने ये तय करा है जो कोरोना फैला रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको हम मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं, माला पहना के, तिलक लगा के, उनकी आरती उतार के उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करने का उद्देश्य हमारा ये है, उनको थोड़ी शर्म महसूस होवे, शर्मिंदगी महसूस होवे और आने वाले समय में वो मास्क लगा के रहें और औरों को भी प्रेरित करें, ये हमारा आज का उद्देश्य था। और हमने करीब 50-60 लोगों को मास्क पहना के स्वागत, मास्क भी पहनाया, स्वागत भी करा, तिलक लगाई और आरती भी उतारी है। स्मार्ट सिटी अजमेर के पर्यटन स्थलों में शुमार आनासागर झील के आसपास के सौंदर्य पर लग रहा है बट्टा। अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं पर्यटन स्थल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर में कई नए विकास कार्य इस वक्त संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले पर्यटन स्थल प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर अपने मूल स्वरूप को खोते जा रहे हैं। आनासागर झील के किनारे चौपाटी हो, आनासागर की जेटी हो, आनासागर का टापू हो या झील में लगे हुए फव्वारे हों, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा रखरखाव और मरम्मत नहीं होने की वजह से जर्जर और कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन, कोई भी विभाग इनकी सुध नहीं ले रहा। ऐसे में स्मार्ट सिटी अजमेर अपने पुराने मूल स्वरूप को खोता जा रहा है। समाज के जागरूक नागरिकों ने इस ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए कई बार प्रयास किए, बावजूद इसके कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं दिख रहा। जिला प्रशासन के लोगों ने जो यहाँ रखरखाव की जिम्मेदारी अब उन पे है, क्योंकि पहले जिम्मेदारी नगर निगम की थी, तो नगर निगम के महापौर जी ने जो एक बहुत ही बढ़िया काम किया, स्मार्ट सिटी बनाने के झरने झरने बनाए ताकि यहाँ पर्यटक आए और पर्यटकों को एक बहुत अच्छा माहौल मिले यहाँ पे, लेकिन झरना ना होकर अब ये जंगल हो चुका है यहाँ पे। और अब जंगल के अंदर कौन आते हैं, जानवर? तो यहाँ जानवर तो रहते नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन शायद इन जानवरों के लिए ही कुछ कर रहा है, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं कर पाए और आदमियों के लिए भी अच्छा नहीं कर पाए। पर्यटन स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए और उसकी देख रेख करने के लिए एक अच्छा सोच चाहिए। जिला प्रशासन शायद इस सोच से बहुत दूर है, उनका सोच ही नहीं है कि यहाँ पक्षियों आए, पर्यटक आए या ऐसा कुछ हो, लेकिन इसलिए इन्होंने बिल्कुल इन्होंने जंगल बना रखा है यहाँ के ऊपर। और जो पैसा लगा है इस देश की पब्लिक का या अजमेर के शहर के लोगों का, जो इनकम टैक्स देते हैं उनका जो पैसा लगा, वो पैसा बिल्कुल इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये यहाँ लगाए, लेकिन वो लगे हुए बिल्कुल पानी के अंदर चले गए और जिला प्रशासन इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिला प्रशासन जो हमारा पैसा लगाया, हमारी खून पसीने की कमाई का जो इनकम टैक्स देते हैं, उस पैसों का यहाँ दुरुपयोग हुआ है। नगर निगम के महापौर जी ने जिसका सदुपयोग करने का प्रयास किया, उसको इन्होंने एक बार बना दिया, उन्होंने तैयार कर दिया, आज वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ बिल्कुल जंगल राज हो रखा है और जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और न कोई लोग देखने वाले हैं। मेरा अच्छा तब चलता था तो कैसे तब चलता था, जब तो बिल्कुल नज़ारा अच्छा लगता था। माउंट की झील को लोग भूल गए, आनासागर झील इतनी मशहूर हो गई कि पूरे देश के लोग यहाँ आने लग गए कि यहाँ झरना भी है, टापू भी है, चौपाटी भी बनी हुई है, बहुत ही अच्छा काम चारों तरफ हो रखा था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार आनासागर में गंदगी आती जा रही है, काई आती जा रही है,
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गंदगी होती जा रही है। जैसे ये झरने जंगल हो चुके हैं, इस जंगल को बिल्कुल वापस मंगल करने के लिए जिला प्रशासन को अच्छा सोच लाना पड़ेगा और इसको बहुत जल्दी तैयार करना चाहिए, जिससे पर्यटक यहाँ वापस बार बार आए और लोगों को अच्छा लगे। नाम मोटे और दर्शन खोटे वाली बात बिल्कुल इनके फिट बैठ रही है अभी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com सच के साथ।